नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत सोहसा पंचायत में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहसा पंचायत के ग्राम हरपुर का, जहाँ पीपल के वृक्ष से धुआं निकल रहा है, जिसको देखने के लिए प्रखंड व विभिन्न पंचायतों के लोगों का भारी भीड़ उमड़ रहा है। वहीं जब हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता राजू कुमार ने वहां के ग्रामीणों से इसकी जानकारी ली, तो उनके द्वारा कई रहस्य बताया गया। पहले आप इनके द्वारा बताई गई बातों को सुनिए। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड के अंतर्गत हम हरपुर में पहुँचे हुए हैं। आइए, आप देख सकते हैं कि हम एक ब्रह्मस्थान में पहुँचे हुए हैं। आप थोड़ा कैमरा ऊपर कर इधर थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए, ब्रह्मस्थान में अभी हम पहुँचे हुए हैं। ये जो पीपल के जो पेड़ अभी देख जो आप देख रहे हैं, अद्भुत ही पीपल का पेड़ है। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा आप अभी कभी ना नज़ारा देखे होंगे ना कभी सुने होंगे कि ऐसा भी होता है कि इस पीपल का जो पेड़ जो देख रहे हैं, इसमें से धुआं निकलता है। देखिए, आप लोग हम दिखाने के प्रयास करेंगे। देखिए, यहीं से जो थोड़ा कभी दिखाइए, यहीं से जो है, यहीं से देखिए, जो यहीं से धुआं निकलता है, ठीक है। इनको इसको मतलब धुआं जो निकल रहा है, इसको देखने के लिए थोड़ा देखने के लिए इसको मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। आइए, यहाँ के कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, आइए इनसे हम कुछ जानेंगे और पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से इनको देखने के लिए लोग आते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार गिरी पड़ेगा। मेरा घर रामनगर प्रखंड में हरपुर गांव है, वहीं पे मतलब पीपल के पेड़ से मतलब धुआं निकल रहा है, जो यही है। देखिए, यहाँ दिखा सकते हैं, दिखा, यहीं से धुआं निकल रहा है रोज। मतलब सप्तमी दिन से स्टार्ट हुआ है, दशहरा से सप्तमी दिन से स्टार्ट हुआ है, दशहरा से गांव के लोग देखा, लोग तो बहुत भीड़ यहाँ पे मतलब इकट्ठा होता था हुआ। हाँ, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आके देख मतलब देखता है। हाँ, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं ना जी। क्यों देखिए, ऐसा आप कभी अद्भुत चमत्कार अभी देखे हैं कभी? नहीं, ऐसा तो अभी कभी नहीं देखे हैं। यहीं पे मतलब हम लोग गाँव में पहला बार सबको ये देख के अचंभव था, जैसे काय हो रहा है। तो पूजा पाठ भी हुआ यहाँ से, बहुत लोग भी आए देखने के लिए, तो वो भी बताए जो शायद माता रानी की कृपा है जो यहाँ से हो रहा है। ये बताइए कि अभी जो धुआं निकल रहा है, बताइए, धुआं जब निकलता है, इससे आप लोगों को मतलब कि इस गांव को या इस टोले के मतलब कि वार्ड के जितने भी सदस्य हैं चाहे गांव के लोग हैं, ये बताइए, कोई इससे मतलब हानि नहीं होता है ना? अभी हानि तो कोई ना हुआ है, मतलब कुछ हानि नहीं है इससे। तो मतलब लोग आता है, देख के बताता है लोग जो शायद कहीं माता रानी घुसाई है, चाहे कुछ हुआ है, तो इसीलिए पूजा पाठ भी हुआ। इनको मतलब जो धुआं जो पीपल के पेड़ से अभी जो निकल रहा है, इसको बताइए, देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ऐसे रामनगर से मतलब रामनगर प्रखंड से, तो मतलब गांव के फुल कॉल है, मेघोल मठिया के लोग है, और दूर दूर से लोग आ रहा है देखने के लिए। पूरा इकट्ठा इतना भीड़ हो रहा है जो मतलब क्या बताएं जी। रात में भी आते हैं, रात में उधर से बहुत दूर से लोग भी आते हैं, रात में और अच्छा से दिखता है, मतलब बहुत बढ़िया से दिखता है। अभी अभी उतना फ्रेश नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिखाई दो। यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से धुआं निकलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं से निकलता है। थोड़ा और थोड़ा रात अगर धुनमुन हो जाएगा, थोड़ा और थोड़ा 6-7 बज जाएगा, वो वहीं उसी समय मतलब दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? पन्नालाल कुमार महतो मेरा नाम है। ये बताइएगा, अभी जो पीपल के पेड़ से यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है, ये बताइए, ऐसा आप चमत्कार कभी सुने हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पे देखा, मैं गांव का हूँ। यही गांव के रहने वाले? ऐसा आप अपने गांव में देख रहे हैं क्या? अपने गांव में नजारा मिल रहा है ऐसे देखने के लिए का? हाँ, देखे तो ना, यहाँ से धुआं फेंकता है ना बहुत ज्यादा। सप्तमी में तो पूरा दिन निकल रहा था, रात को अभी भी निकलता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अद्भुत चमत्कार है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अद्भुत चमत्कार है। कि देखिए, हम भी ऐसा नज़ारा नहीं कभी देखे हैं, नहीं सुने हैं जी। ये बताइए कि जो पीपल के जो पेड़ अभी देख रहे हैं जी, इसमें से धुआं निकल रहा है जी? निकल रहा है, 6-7 बजे से साफ दिखाई दे रहा है इसमें जी। जी, धुआं 6-7 बजे दिखाई देता है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा उतना साफ। देखने के लिए इनको मतलब देखने के लिए कहाँ कहाँ से बहुत बहुत दूर से नज़र आता है? बहुत दूर से देखने के लिए जी। क्या कहिएगा सर, आपके गांव में देखिए पीपल के पेड़ से धुआं निकल रहा है, इसके बारे में सर क्या कहिएगा? कहिए मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति का देन है, कहीं ना कहीं भगवान, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अद्भुत चमत्कार है, ये प्रकृति के ही देन है। कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत अद्भुत चमत्कार है, कहीं ना कहीं भगवान के माना जाए
माया है चाहे जो भी कहा जाए, अद्भुत चमत्कार है, इसके बारे में क्या कहिएगा, मतलब कि कुछ कहना चाहिएगा? का मतलब यही तो भगवान के देन है, बस वही, इसलिए तो धुआं निकल रहा है, चाहे कोई कुछ हुआ होगा जिसके कारण हो रहा है। अब कहीं ना कहीं किसी को तो पता नहीं जी है क्या जिसके कारण ये धुआं निकल रहा है, और रात के टाइम बहुत अधिक दिखता है। रात में ज़्यादा अधिक धुआं निकलता है क्या? रात में अधिक धुआं निकलता है और ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे पूरा भीड़ पूरा इकट्ठा होता है, लोग देखता है, पूजा पाठ भी लोग करता है यहाँ पे आके, और देखिए सभी दिखता है यहाँ लाइट भी है, लाइट के जोर पर और ज्यादा ही, और रात में ज्यादा निकलता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, दिन में भी निकलता होगा ठीक है, दिन में दिखाई नहीं देता होगा क्या? दिन में दिखाई नहीं देता है, देता है लेकिन कम दिखाई देता है, रात में बहुत अधिक, रात में वो ज्यादा अधिक दिखाई देता है। क्या कहिए चाचा जी, ये बताइए कि अभी जो आपके गाँव में जो पीपल का पेड़ अभी जो आप देख रहे हैं, जो बर्मथान में अभी जो पहुँचे हुए हैं, देखिए कि यहाँ पे धुआं निकलता है, इसके बारे में क्या कहिए, आपको कुछ जानकारी है यहाँ पे धुआं निकलता है? तो देखे यार दिन में ये धुआं निकलता है। हाँ देखे अभी ये बताइए इनको, मतलब धुआं निकल रहा है पेड़ से, जो पीपल के पेड़ दिख रहे हैं इसमें से धुआं निकलता है, कहाँ कहाँ से मतलब कि आते हैं लोग देखने के लिए? तुरकौली या मैघवल मठिया लखनऊता हरपुर ये सारा लोग तो देखते ही है, फुलकौल सारे लोग इकट्ठा कर आज के कहाँ से धुआं निकल रहा है पेपर से, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बहुत दूर से मतलब देखने के लिए इनको, मतलब देखने के लिए मतलब कहीं ना कहीं से मतलब ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत दूर से आते हैं। मैं हूं राजू कुमार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया, जय हिंद जय भारत। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।